हाँ तो गाइस, अभी रात के हुआ है 10:30 और मैं घर पे हूँ क्योंकि एक्चुअली थोड़ा पैकिंग कर रहा था और कल जो है मेरा पुरुलिया जाने का प्लान है, अयोध्या पहाड़, साथ में गौर पंचगौर वो सब जगह भी जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे वो तो अभी नहीं बता सकते कि हम लोगों ने अभी तक तय नहीं किया कहाँ जाएंगे। तो हम लोग जो जाएंगे पुरुलिया जाएंगे, उसके बाद मतलब पुरुलिया में अयोध्या पहाड़ जाएंगे, उसके बाद कहीं पर जाएंगे, ठीक है? एक मिनट, तो पुरुलिया जाएंगे पहले अयोध्या पहाड़, उसके बाद गढ़ पंचगढ़ और कहाँ कहाँ जाएंगे पता नहीं। वहाँ पर गढ़ पंचगढ़ जो डैम है वो जगह जाएंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। लेकिन हाँ, इसका सिनेमेटिक शॉट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप लोगों को वेट करना है। और क्या ना, अभी बैग तो पैक हो चुका है, मेरा कुछ बाकी नहीं है, थोड़ा कंप्यूटर में कुछ काम चल रहा था उसके लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो का जो एडिटिंग था वो चल रहा था। अभी थोड़ा सोना है कि कल सवेरे सवेरे निकलना है इसके लिए, तो अभी थोड़ा डिनर करके जल्दी सो जाऊँगा और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। तो हाय गाइस, दिस इज अरव, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी जा रहा हूँ पुरुलिया पे, अयोध्या पहाड़ पे घूमने के लिए 2-3 दिनों के लिए। अभी फिक्स नहीं हुआ 2 दिन या 3 दिन कब तक, लेकिन जा रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए। और तब तक और कुछ नहीं, भैया अभी गाड़ी निकाल रहे हैं और मैं थोड़ा सिनेमेटिक लूँगा शॉट। आज थोड़ा गिम्बल सेट करना होगा जल्दी से, ठीक से सब कुछ का रात को ही कर लिया, उसका सब कुछ है, गिम्बल का सब डिटेल्स ले लिया, कैलिब्रेट कर लिया। और उसका याद भी रखना बहुत मुश्किल है यार गिम्बल का, क्योंकि दो लेंस के लिए कितना कितना आता बहुत मुश्किल है। तो चलिए गाइस, अभी और कुछ नहीं बोलना है, अभी बजाय सुबह के 4:05 उठ के रेडी हुआ हूँ और चलिए निकलते हैं, बाकी रास्ते में तो बात होता रहेगा। चलिए तो गाइस, मॉर्निंग हो चुका है, बज रहा है अभी 6:30 और हम आ चुके हैं गाइस अभी हिंदुस्तान में। यह हिंदुस्तान होटल गाइस आ रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर रास्ते से निकलेंगे। और पूरा जो अभी 6 घंटे का सफ़र बाकी है, कहीं पे भी आप ब्रेक नहीं लेंगे, 6 घंटा जो है हम कॉन्स्टेंट चलेंगे, कहीं पर ब्रेक नहीं लेंगे। जिन लोगों को शुशु करना होगा तो शुशु कर लेंगे और बाकी और कुछ नहीं रुकेंगे, जो खाना खाना यहीं पर और डायरेक्टली जाके पुरुलिया पे। तो अभी भी 6 घंटे का सफ़र बाकी है और 6 घंटे अभी पे चलते हैं, ठीक है? चलिए। क्या कर रहा हूँ, तो अभी जो है गिम्बल सेट कर रहा हूँ क्योंकि ट्राइपॉड से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी जो होगा गिम्बल से होगा, इसी से, ठीक है? तो नेक्स्ट शॉट गिम्बल से ही होगा।
तो ये हो गया हमारे 5 मिनट का ब्रेक, अब चलिए दोबारा शुरू करते हैं सफर को। हाँ तो भैयो, हम लोग जो है पहुँच चुके हैं अभी सनकुपी पर। सनकुपी मतलब हम लोग जहाँ पर ठहरने वाले हैं। तो नज़दीक में ही यहाँ पर दिखा रहा है कि बंजारा कैंप है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग वहाँ पर नहीं ठहर रहे हैं, वो वाला कोई दूसरा है। गूगल भाई को गलत फैमिली हुई है, गूगल भाई हमें बंजारा कैंप दिखा रहा है वैसे जगह पर जहाँ पर कोई कैंप है ही नहीं। फिर हमने कॉल किया उस कैंप के वहाँ पर एक लोग को, ठीक है, उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि नहीं, ये जगह ऐसा नहीं है, आप लोग सीधा आते रहिए, आपको ये मिलेगा स्कूल, आपको ये मिलेगा स्टैचू, आपको यहाँ पर ये मिलेगा। तो आते आते रह रहे हमको वो जगह छोड़ के निकल चुके। फिर हमें लेके गए एक भयानक जगह पर। आप लोग वो जगह देखिए, फिर आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा उस जगह को मैं भयानक क्यों कह रहा। अयोध्या पहाड़ के यहाँ पर फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और यह है हम लोगों का टेंट पीछे की तरफ, और भैया लोगों का टेंट यह है। और अभी फिलहाल पहुँचे, बारिश बहुत हो रहा था तो गिम्बल निकाल के हम शूट नहीं कर पाए बाहर। सोच रहा था बहुत करूँगा लेकिन कर नहीं पाया, और कोशिश करूँगा अयोध्या पहाड़ को लेने के लिए, क्योंकि अभी जो है बहुत फॉग है वहाँ पर, अयोध्या पहाड़ का बहुत फॉग है। तो अयोध्या पहाड़ जो है साफ उतना आ नहीं रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम करने के लिए, ठीक है। तो एरिया का टूर आपको मैं बाद में देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए यही है। थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, ये ड्रेस व्रेस छोड़ते पहले, ठीक है। हाँ तो गाइज, ये है हम लोगों का टेंट, कुछ ऐसा दिखता है, देखिए। और चलिए आपको अंदर से भी दिखाते हैं, लेकिन पहले बता देते हैं ये 2 लोगों का टेंट है, 1 लोगों के लिए कोई टेंट नहीं होता। अगर आप लोग 10 आदमी आ रहे हैं, या 6 आदमी, 12 आदमी, 14 आदमी भी आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बड़ा सा टेंट जो होगा जिसमें पूरा ग्रुप आ जाएगा, ऐसा आपको टेंट ये लोग बना के दे देंगे, ठीक है। लेकिन 1 आदमी के लिए कुछ नहीं होता, 2 आदमियों के लिए, 4 आदमियों के लिए कॉटेज भी है, और छोटा सा भी कॉटेज है और बड़ा सा भी कॉटेज है पूरी फुल फैमिली के लिए। तो अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, और वैसे भी यह हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे हम टेंट में बिताएंगे, कल हम जाके सुबह सुबह कॉटेज में शिफ्ट होंगे, तो उसका भी व्यू आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले इसका देखो,
मतलब बेस्ट है, बेस्ट मतलब चाय से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग बारबेक्यू भी करेंगे एंड थोड़ा बहुत बॉनफायर अगर हो सके तो हम लोग करेंगे और वो भी दिखाएंगे गाइस। तो गाइस डे वन में हम लोग के साथ तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि बारिश ने सारा प्लान जो चौपट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो जितना भी प्लान है वो सब डे टू में होगा हमारे साथ। आप लोग देखिएगा डे टू में क्या क्या होता है, खाना, घूमना, पहाड़ पे ट्रैकिंग करना, पहाड़ में गाड़ी चलाना, ड्रोन शॉट लेना, यहाँ तक कि छोनच का भी वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है? लेकिन पार्ट टू के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो अगर पहला दिन अगर बारिश हुआ, ठीक है, दूसरा दिन सुबह इतना धूप हो और आपको ऐसा कोई व्यू मिले, रास्ता मिले, और आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में भाई? वो देखिए खाली इस जगह को, देखिए